नमस्कार, हिमाचल अभी भी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किरण बौद्ध। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए 58.66% मतदान। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के मतों की गणना जारी। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पैदा करेगा हिमाचल। ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU साइन। 7 विषयों के लिए 18 जून से टेट। शिक्षा बोर्ड JBT के लिए नहीं लगेगी परीक्षा। सुबाटू में पहाड़ी से गिरी चट्टान। मकान व दुकान क्षतिग्रस्त, युवक हुआ घायल। बद्दी में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने दबिश देकर किया भांडाफोड़। बिलासपुर और हमीरपुर के 2 युवक गिरफ्तार। शिमला में झमाझम बारिश, बर्फबारी से दारचा शिंकुला मार्ग बंद। अभी और सताएगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम शिमला के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं की 52 सीटों के उपचुनावों के लिए आज मतदान हुआ। नगर निगम पालमपुर के 1 वार्ड सहित 3 शहरी निकायों के वार्ड के लिए भी मतदान हुआ। मतदान सुबह 8 से शुरू हुआ और 4 बजे तक जारी रहा। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए शाम 4 बजे तक 58.66% मतदान हुआ। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय तिब्बती विद्यालय छोटे शिमला में परिवार सहित वोट डाला। उधर पंचायत प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय में हो रही है। शहरी निकायों की मतगणना भी संबंधित मुख्यालय चुनाव के बाद होगी। नगर निगम शिमला और पालमपुर के लिए मतों की गणना 4 मई को सुबह 10 बजे होगी। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत होने के अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा का वाहन भी है। हाइड्रोजन इंजन वाले वाहन में उपयोग करने पर यह ईंधन केवल बिजली और गर्मी पानी का उत्सर्जन करता है। प्रदेश में हरित ऊर्जा की प्रचुरता है और हाइड्रोजन का उत्पाद कर राज्य सरकार ने इसे हरित ऊर्जा के दोहन की पहल की है। इस दिशा में हाल ही में राज्य सरकार ने नए और नवीकरण ऊर्जा स्रोत के दोहन और विकास में सहयोग के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यह समझौता ज्ञापन 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को भारत का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला इस बार भी JBT विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट नहीं करवाएगा। JBT अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में चलने के कारण इस विषय से संबंधित अभ्यर्थियों से टेट के लिए आवेदन नहीं मांगे गए थे। शिक्षा बोर्ड ने सिर्फ 7 विषयों के ही अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन मांगे। अक्टूबर 2022 में करवाई गई अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान भी JBT विषय के लिए टेट नहीं करवाया गया था। जानकारी के अनुसार प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार 7 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 9 मई से 28 मई तक आवेदन मांगे हैं। इस अवधि के बीच अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के आवेदन करें। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सोलन जिले के सुबाटू धर्मपुर मार्ग पर नया नगर में पहाड़ी से एक चट्टान मकान के ऊपर गिराया। यह घटना सुबह 8 बजे के करीब हुई। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक महेश के मकान के ऊपर एक चट्टान के गिरने से लैंटर टूट गया और एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। चट्टान गिरने से मकान में दरारें आ गई। जिस मकान के लैंटर के ऊपर चट्टान गिरी उसके अंदर एक युवक सो रहा था। हादसे में उसे चोटें आई है। युवक का इलाज के लिए चंडी मंदिर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची पर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रही है। पीड़ित परिवार को 5,000 की फरौती राहत दी गई है। सोलन जिला के BBN में देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ है। बद्दी पुलिस ने देह व्यापार में सम्मिलित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 युवतियों को भी पकड़ा है। बद्दी के
अमरावती कॉलोनी स्थित एक घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। SHO व उनकी टीम को सूचना मिली थी कि अमरावती कॉलोनी में अनित कुमार निवासी फरोह तहसील झंडुता जिला बिलासपुर और आशुतोष कुमार निवासी ठकवा तहसील भोंटा जिला हमीरपुर बाहर से लड़कियां लाकर यहां पर देह व्यापार का धंधा कर रहे हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की तो कमरे में 2 युवक और 1 लड़की मिली। 7 वाला कमरा अंदर से बंद था। जब उसे खुलवाया तो अंदर एक दूसरी लड़की थी। इन युवतियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें जबरन देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा था। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं ऊंचाई की चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ने वाले दारचा शिंकुला जास्कर मार्ग ताज़ा बर्फबारी से बंद हो गया। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियां सफ़ेद हो गई हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इससे आम लोगों के साथ पर्यटक व बागवानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में बारिश के साथ धुंध छाई हुई है। तापमान गिरने से मई में भी फरवरी के मौसम का एहसास हो रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।